ओके स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सोल्स ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्जन फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। आप लोगों का जो टॉपिक है, हम कोलाइडल सोल्स की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं किसके बेसिस पे, डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में जो इंटरेक्शन है उनके बेसिस पर हम लोग कोलाइडल सोल्स की क्लासिफिकेशन करेंगे। तो इसके बेस पर हमने कोलाइडल सॉल्यूशंस को तीन पार्ट में डिवाइड किया है। द फर्स्ट वन इज मल्टी मोलिकुलर कोलाइड्स, सेकेंड वन इज मैक्रो मोलिकुलर कोलाइड्स एंड थर्ड वन इज एसोसिएटेड कोलाइड्स। ये तीन प्रकार के हम लोगों ने इनकी क्लासिफिकेशन की है। द फर्स्ट वन इज द मल्टीमोलिकुलर, सेकंड वन इज मैक्रोमोलिकुलर, थर्ड वन इज द एसोसिएटेड कोलाइड्स। तो मल्टीमोलिकुलर कोलाइड्स क्या होते हैं, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स क्या होते हैं और एसोसिएटेड कोलाइड्स क्या होते हैं, जरा इनको देखते हैं। देखो, हम लोगों का जो मेन पर्पज है वो कोई भी एक कोलाइडल सोल बनाना है। क्या बनाना है? कोलाइडल सोल। और अगर मैं कोलाइडल सोल्स बनाना चाहता हूं तो वहां पर पार्टिकल्स का जो साइज है वो कितना होना चाहिए, 1 नैनोमीटर टू 1000। अगर ये पार्टिकल्स का साइज है और इन पार्टिकल्स के साइज को मैं अगर किसमें डाल देता हूं, डिस्पर्जन मीडियम में डाल देता हूं, तो मेरे पास जो सॉल्यूशन बनता है वो सॉल्यूशन कौन सा कहलाएगा, कोलाइडल सॉल्यूशन कहलाएगा। क्लियर? अब समझते हैं जरा, मेन हमारा जो फोकस क्या है कि हम लोगों को कोलाइडल सोल बनाना है, किस प्रकार से बनाते हैं और पार्टिकल्स का साइज इतना होना चाहिए। जरा देखिए, अगर मान लो मेरे पास कोई पार्टिकल है और उस पार्टिकल का साइज क्या है, छोटा है 1 नैनोमीटर से। अगर पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से क्या है, छोटा है, तो उस समय क्या होता है, ये पार्टिकल्स आपस में मिल जाते हैं और मिलने के बाद एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं और जिसका साइज बिलोंग्स टू पार्टिकल साइज ऑफ कोलाइडल सोल्स। अगर मेरे पास कोई छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर से कम है, तो वो पार्टिकल्स आपस में क्या कह जाते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं, इकट जाते हैं, तो इस वजह से उनका साइज कोलाइडल सोल्स की रेंज के अंदर आ जाता है। इस वजह से जो सॉल्यूशन बनेगा उसको हम मल्टी मोलिकुलर कोलाइडल सोल्स कहेंगे। मल्टी क्यों? क्योंकि यहां पर मल्टी नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या कर गए, एग्रीगेट कर गए। और कोलाइडल क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इनका जो साइज है वो किसकी रेंज के अंदर आ गया है, कोलाइडल सोल्स की रेंज के। तो अगर हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स है जिनका साइज 1 नैनोमीटर से छोटा था, वो आपस में एग्रीगेट हो गए और साइज कोलाइडल सोल्स की रेंज के अंदर आ गया, तो उनको हम बोलते हैं मल्टीमोलिकुलर कोलाइडल सोल्स। क्लियर? दूसरा एक बात और बताना था, इन पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरेक्शन होगा जिसकी वजह से एग्रीगेट होंगे, वो कौन सा इंटरेक्शन होगा, वीक वंडरवाल इंटरेक्शन। क्लियर आप लोग? चलते हैं नेक्स्ट है मैक्रोमोलिकुलर। अगर किसी पार्टिकल का साइज ऑलरेडी इस रेंज के अंदर आ रहा है, तो उसको जैसे ही मैं डिस्पर्जन मीडियम में डालूंगा वो तुरंत कोलाइडल सोल बना लेगा। और जैसे ही वो कोलाइडल सोल बनाता है, बनाने के तुरंत बाद ही वो कहलाएगा मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड। क्लियर आप लोगों को? अगर क्या होता है, कई बार पार्टिकल का साइज और बहुत ज्यादा, मीन्स 1000 नैनोमीटर से भी ज्यादा होता है, अगर पार्टिकल का साइज ऑलरेडी इस रेंज के अंदर है, तो वो मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स कहलाएगा। लेकिन अगर कई बार पार्टिकल्स का साइज इस रेंज से बाहर होता है, तो हम क्या करते हैं, उस पार्टिकल्स को डिसोसिएट करते हैं। डिसोसिएट करने के बाद उस पार्टिकल्स का जो साइज है वो वापिस उसी रेंज के अंदर आ जाएगा। तो इस प्रकार से भी जो कोलाइडल सोल्स बनेंगे उनको भी हम लोग मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स। क्लियर आप लोगों को? कौन से कोलाइड्स कहेंगे, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स। तीसरा है मेरे पास एसोसिएटेड कोलाइड्स। अगर मैं क्या करता हूं, कोई भी मेरे पास पार्टिकल्स है, अगर उसकी डिस्पर्जन मीडियम के अंदर कंसंट्रेशन कम है, लेस कंसंट्रेशन, तो वो बिहेव करता है एज एन इलेक्ट्रोलाइट। किसकी तरह बिहेव करता है, एज एन इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन अगर मैं उसमें और पार्टिकल्स डाल दूं, मीन्स वहां पर कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स को मैं बढ़ा दूं,
क्या कर दूं, इंक्रीज कर दूं कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स को, अगर मैं क्या कर देता हूं इंक्रीज कर देता हूं, तो उस समय वो बिहेव करता है किसकी तरह, कोलाइडल सोल्स की तरह, और उन कोलाइडल सोल्स को हम लोग उस समय कहेंगे एसोसिएटेड कोलाइड्स। कौन से कोलाइड्स, एसोसिएटेड कोलाइड्स। क्लियर आप लोगों को? अगर मैंने कोई भी पार्टिकल डाला, उस पार्टिकल्स का अगर मैंने लेसर अमाउंट, थोड़ी अमाउंट डाली, तो वो बिहेव करता है एज एन इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन अगर मैं वहां पर कंसंट्रेशन को बढ़ा देता हूं, तो कंसंट्रेशन को बढ़ाने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा वो कोलाइडल सॉल्ट कहलाएगा, और वो किस तरह का कोलाइडल सॉल्ट होगा, एसोसिएटेड कोलाइड सॉल्ट होगा। इसका एग्जांपल अगर आप लोगों ने देखा हो तो 10th क्लास में टॉपिक आता है क्लीनिंग एक्शन ऑफ सॉल्ट, और वहां पर हम लोग पढ़ते हैं मिसेल्स फॉर्मेशन। तो मिसेल्स इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ द एसोसिएटेड कोलाइड्स। ये एक एसोसिएटेड कोलाइड का एग्जाम्पल। क्लियर? दूसरा, आप लोगों से अगर मैं बात करता हूं, तो यहां पर जो पार्टिकल्स का मोलर मास है वो कम होता है, लेस, कम होता है। लेकिन अगर मैं मैक्रोमोलिकुलर पार्टिकल्स की बात करूं, तो वहां पर पार्टिकल का मोलर मास लार्ज, ज्यादा होता है। क्लियर आप लोगों को? और अगर मैं तीसरी बात करूं, तो यहां पर भी पार्टिकल्स का साइज या मोलर मास ज्यादा होता है, लार्ज होता है। क्लियर आप लोगों को? अच्छा, नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों से बात करूं, तो इसका कोई एक एग्जांपल, तो इसका एग्जांपल है अगर मैं गोल्ड का सोल बनाना चाहूं, तो गोल्ड जो सोल बनेगा वो एक तरह का किसका एग्जांपल होगा, मल्टीमोलिकुलर, क्योंकि गोल्ड के पार्टिकल्स का साइज क्या होता है, 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, तो वो एग्रीगेट करते हैं। अब एक बड़ा मोलिक्यूल बना देंगे, उसका साइज बढ़ जाएगा, तो ये एग्जांपल कहलाएगा किसका, मल्टीमोलिकुलर कोलाइडल सोल्स। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल हो जाएगा कोलाइडल सोल्स ऑफ स्टार्च एंड जिलेटिन एंजाइम्स। और एसोसिएटेड कोलाइड्स का एग्जांपल मैं बता चुका हूं आप लोगों को, क्या होगा, मिसेल्स होगा। क्लियर है? तो आप लोगों को जरा बिल्कुल हर चीज समझ में आ गई होगी कि मल्टीमोलिकुलर कोलाइड्स क्या होते हैं, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स क्या होते हैं, और एसोसिएटेड कोलाइड्स क्या होते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिसेल्स फॉर्मेशंस की बात करेंगे, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सॉल्ट भी पढ़ेंगे, किस प्रकार से ये एक एसोसिएटेड कोलाइड्स कहलाता है, इसका पूरा मैकेनिज्म पढ़ेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।